नमस्कार, आप देख रहे हैं खोज खबर और हमारे साथ हैं राकेश कुमार जी, जो कि एक्स लीडर ऑफ अपोजिशंस नॉर्थ एमसीडी में रहे हैं। सर, जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, सातों सीटों पर 25 तारीख को वोट डलने हैं, क्या लगता है कि अब की बार किन मुद्दों को लेकर के वोट डलेगा? देखिए, महंगाई के खिलाफ लोग वोट देना चाहते हैं। महंगाई बड़े चौथे आसमान पर है। इसके अलावा जो जो सिस्टम चल रहा है ना मोदी जी का, जो मोदी जी ने तानाशाही कर रखी है, उससे लोग खिलाफ हैं। दिल्ली सरकार को उन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है। दिल्ली सरकार में सबसे बड़े तानाशाह तो एलजी बने हुए हैं। एलजी साहब नहीं चाहते कि दिल्ली के नागरिकों को उनके अधिकार मिले, उनके जो सुविधाएं वो मिले। तो आज सबसे बड़े तानाशाह हमारे एलजी साहब हैं, जिन्होंने दिल्ली सरकार को सर्वनाश करने के लिए ठेका लिया हुआ है। आज छोटी छोटी बातों की बहुत लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली में जो नागरिक सुविधाएं दी जाती हैं उनके टेंडर नहीं होने दे रहे हैं। जैसे दिल्ली जल बोर्ड की मैं बात करूँ, तो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जो जो ठेकेदारी प्रथा चलती है, जो चलती है, जो सीवर साफ करने वाले कर्मचारी होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, जो गाड़ियों के ठेकेदार होते हैं, उनके सबके टेंडर बंद कर दिए गए हैं। बड़ी मुश्किल में सफाई हो रही है। आज दिल्ली दिल्ली जल बोर्ड का पानी भी गंदा आ रहा है। कह रहे हैं कि एलजी साहब कहीं ना कहीं काम करने नहीं देना चाहते। जी, वो बीजेपी के एजेंट तो हैं, डिक्लेयर रूप से एजेंट हैं, जानते हैं आप। दिल्ली मुख्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने कितना डिस्टर्ब किया हुआ है। हमारा जो चुनाव था अभी मेयर का, उसको भी नहीं होने दिया उन्होंने। उन्होंने कहा जी मुख्यमंत्री जी जब तक नहीं आएंगे जब तक नहीं होगा। तो एक एलजी साहब की वजह से और मोदी सरकार की वजह से, मोदी जी जो कहते हैं वो एलजी साहब करते हैं। तो मोदी जी एक, मैं तो यही कहूँगा, गरीब विरोधी सरकार है ये, मजदूर विरोधी सरकार है मोदी सरकार, जिसका हम विरोध करने के लिए आए हुए हैं। आज सारे लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने, कह रहे हैं मोदी जी ने काफी कुछ किया है देश के लिए, राष्ट्रीय हित में काम कर रहे हैं मोदी जी। एक काम बताइए, आप बता दीजिए, अगर मोदी जी ने कोई काम किया हो तो। कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अगर सुरक्षित है तो मोदी जी के राज में। ये कुछ नहीं है, अगर मोदी जी है तो ये देश सुरक्षित नहीं है। इस देश को देश के टुकड़े कराने में अगर किसी का हाथ होगा तो वो मोदी का होगा, क्योंकि मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम की नफरत की राजनीति की है। वो चाहते हैं दिल्ली में हिंदू मुस्लिम फसाद हो, वो चाहते हैं। कहते हैं हमने तो विकास के नाम पे हमें वोट डलेगा। अरे, जो मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हो, जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ने को तोड़ी ना, उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, उसका फक्र करते हैं वो कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी है। तो ये जो ये नफरत फैलाने वाले लोग ही तो हैं ये लोग। ये हिंदू तो काफी खुश है कि मंदिर बन गए। नहीं, कोई खुश नहीं है। हिंदू ही तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित है आज, सबसे ज्यादा। आज देखिए ना, हिंदू आज 1100 का सिलेंडर सुरक्षित ही मोदी जी के राज में। ये सब वोट लेने के लिए हिंदू का शब्द यूज करते हैं, हालांकि वो सबसे बड़े हिंदू विरोधी हैं। क्योंकि आज जो खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगाया गया है, जो आज गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का कर दिया गया है, ये किस पर अत्याचार हो रहा है? ये हिंदुओं पे तो हो रहा है। अगर 1100 का सिलेंडर कौन खरीद रहा है? हिंदू खरीद रहा है। अगर आज खाने पीने की चीजें महंगी हो गई है तो उसका भुगतान कौन कर रहा है? गरीब कर रहा है। क्या तो रहे, मैं रोजगार दे रहा हूँ युवाओं को, आप लोग अपना काम खोलिए, आप लोग, आपको लोन मिल रहा है, अपना काम खोलिए, आप रोजगार देने वाले बनिए। अरे भैया, 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी हमारे देश, 45 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। 45 साल बाद इतनी बेरोजगारी हमारे देश में आई, इससे पहले कभी नहीं थी। और लोन किसको मिलता है, आप दिलवा दीजिए, किसको लोन मिल रहा है? ये सिर्फ जो है ना, वही जुमलेबाजी वाला मामला है। दिल्ली जो मोदी जी जिन बातों को लेकर आए थे कि भाई हम लोग सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, तो वो सारे वादे फेल हो गए। मोदी जी विकास की बात ही नहीं करते, वो काम के आधार पर वोट मांगे ना। आज दिल्ली सरकार अपने काम के आधार पर वोट मांगती है। उन्होंने कहा हमने दिल्ली के लोगों को सुविधाएं दी है, हमने बिजली की सुविधा दी है, हमने पानी की सुविधाएं दी है, हमने हॉस्पिटल और एजुकेशन में अच्छा काम किया है, हमने महिलाओं को तीर्थ यात्राएं कराई हैं फ्री में, और महिलाओं को फ्री में बस सेवा फ्री है महिलाओं के लिए, तीर्थ यात्राएं बुजुर्गों के लिए फ्री है, और भी हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। आयुष्मान योजना के तहत बुजुर्गों को 5 लाख रुपए। दिल्ली में लागू नहीं है वो स्कीम, वो यूपी के अंदर लागू है, हमारे यहाँ लागू नहीं है वो स्कीम। लेकिन क्या तो रहे हैं वो लोगों को बना, आप बताइए ना, आप खुद जानती होंगे आयुष्मान, आप आयुष्मान से किसी कोई सुविधा लेके दिखाइए तो मैं जानूंगा। आयुष्मान हमारे यहाँ लागू है कि जो अगर ये लोग आ गए सत्ता में, पक्ष वाले, कांग्रेस, इंडिया अलायंस, तो ये लोग जो हैं बहन बेटियों और बहनों के मंगलसूत्र बेच करके जो है बिकवा देगी।
अच्छा कहीं ना कहीं मुसलमानों में देश को ये देश को आजाद करने वाली फोर्स हैं जिसका नाम इंडिया गठबंधन है और ये देश तोड़ने वाले लोग हैं। इनका देश की आजादी के मूवमेंट में जिनका कोई नामो निशान नहीं था, ये मोदी सरकार जिसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, इनका आजादी के मूवमेंट में कोई स्थान है? कोई नाम बताएंगे कि आजादी के मूवमेंट में इनके कितने नेता जेल में गए, कितने लोगों को फांसी हुई है? ये देश आजाद कराने वाले लोग हैं और ये जो और दूसरी तरफ देश विरोधी लोग हैं। ये तो लगता है देश में भ्रष्टाचार है। हाँ, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो विपक्ष के लिए है, सत्ता पक्ष के लिए नहीं है। अरे मोदी जी खुद अपनी डिग्री के फर्जी डिग्री मामले में फंसे हुए हैं, वो पहले अपनी जांच तो करा ले। उनसे बड़ा फ्रॉड आदमी तो दिल्ली हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। मोदी जी एक डिग्री चोर है, जो फर्जी डिग्री है उनके पास, इसकी जांच कराए ना। पता नहीं मैंने अपने इस देश के लिए अपना घर परिवार तक त्याग दिया। अरे सब झूठ मिले जुमलेबाजी, कुर्सी के लिए सब भागे फिर रहे हैं। एक महिला को छोड़ आया, ये मंगलसूत्र की बात करते हैं और अपने अपना जो मंगलसूत्र की उसका तो तोड़ छीन कर भागे आए। पर्सनल नहीं है उसे, बताइए ना। वो बात ही ऐसी कर रहे हैं, हमने तो नहीं छेड़ा मुद्दा, ये मुद्दा उन्होंने छेड़ा है मंगलसूत्र का। वो कह रहे हैं मंगलसूत्र जो है छीन लेंगे, कौन छीन लेगा भाई? वो कह रहे रिजर्वेशन मुसलमानों को दे रहे हैं और SC के रिजर्वेशन में से उनको देना पड़ेगा। तो ये तो मैंने कहा ना, टोटली नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। दो भैंसों की भी बात करी थी उन्होंने, एक भैंस जो है देख करके जी वो सब में देखो, मोदी जी तो अब जो है ना बिल्कुल निचले स्तर पे चले गए। उनकी जो बयानबाजी है, उनकी जो वो बुखलाए, हाईवे बहुत अच्छे बन गए। हाईवे कहे ना, गरीब आदमी थोड़ी चल रहा है उनके ऊपर, हाईवे भी तो गरीब जो गाड़ी वाले चलते हैं। मैं कह रहा हूँ सब बनी होंगी लखपति, हम गरीब आदमी की बात कर रहे हैं। हम तो गरीबी कोई नहीं बना, नहीं बनाया, अरबपति बने होंगे। हाँ। कितने अरबपति हैं देश के अंदर? अच्छा लग रहा है ये लोग पूंजीपतियों को बढ़ावा दे। अरे बिल्कुल, पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपति के दलाल भी यही है, पार्टनर भी यही है, मैं तो सब कुछ यही है। अडानी अम्बानी के दलाल भी है, पार्टनर भी है, और पता नहीं क्या क्या है। तो अब की बार क्या बदलाव होगा? बिल्कुल इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए जनहित के अंदर, और हम तो इंडिया गठबंधन के सपोर्टर हैं, हम उनकी सरकार को लेके आए हैं। आप लोग भी कुछ बोलोगे?